हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी न्यू मेंटर आयुषी गुप्ता। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग 2022 में एंटर करने वाले हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स, आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हम एक नए सेशन में एंटर करने वाले हैं। माना 2 साल हमारे लिए थोड़े से वीक थे। हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस था तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे नए अचीवमेंट्स भी करे हैं। ठीक है, जिनने उनको ड्रॉबैक्स माने हैं वो तो पीछे चले गए, बट बहुत सारी नई चीज़ें हमने इसमें सीखी है। तो वापस से हम लोग एक नए सेशन में, एक नए ईयर में एंटर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं? आप लोग क्या क्या करने वाले हैं इस न्यू ईयर पे? क्या क्या आपने सोचा है? ओके, मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड रहती थी न्यू ईयर को लेके। मतलब एक न्यू ईयर ऐसा टाइम होता था कि हमें ऐसा लगता था कि हम वापस से फ्रेशली बॉर्न हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मेरे तो बहुत सारे, मैं क्या करती थी, पहले तो अपने बहुत सारे ना गोल्स सेट करती थी कि मुझे ये करना है, मैं न्यू ईयर से ये स्टार्ट करूंगी, वो स्टार्ट करूंगी। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, हम लोग हमेशा ट्रिप्स पे जाते थे, घूमने जाते थे, क्योंकि ऐसा रहता था कि चलो ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोग न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं उसमें हम एक बहुत अच्छी बिगनिंग करते थे। जो भी पिछले सालों में हुआ हम उसको एक तरीके से लेसन के फॉर्म में लेते थे और सोचते थे कि ठीक है, चलिए न्यू ईयर पे हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो प्लान्स तो काफी सारे होते थे, घूमने जाते थे। इस बार भी मेरे काफी प्लान्स हैं न्यू ईयर पे। आप लोगों के बताइए स्टूडेंट्स, आपके क्या प्लान्स हैं, आपने क्या सोचा है? तो मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स के प्लान्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग इस न्यू ईयर पे, ठीक है, न्यू ईयर हम इंजॉय बहुत करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज हमें भी कुछ बहुत अच्छा करना है इस साल, ताकि आप लोग 10th बोर्ड में, 9th में काफी अच्छा स्कोर कर पाए और आपकी जो स्टडीज है उसमें काफी एक्सेल कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारा सेशन है उसमें हमें यही चीज देखनी है कि हमें न्यू ईयर में कैसे पॉजिटिविटी को हमेशा मेंटेन करना है, और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, ताकि हम लोग बहुत ज्यादा अपनी स्टडीज में एक्सेल कर पाए और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आई थिंक मेरे ख्याल से जो न्यू ईयर है वो हर एक जने के लिए एक फ्रेश स्टार्ट की तरह होना चाहिए, बट वो फ्रेश स्टार्ट स्टूडेंट्स आपके लिए तभी होगा जब आप खुद उसे चूज करेंगे, जब आप खुद चाहेंगे कि हाँ कि नहीं, ये न्यू ईयर एक ऐसा टाइम है कि जिसमें मैं खुद से वापस से ग्रो हो सकता हूँ। ओके, मुझे पता है ईयर की अगर अपन लोग बात करें तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ अकर होती है, जैसे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ गुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो न्यू ईयर के साथ हमें यही करना है कि उन सारे बैड एक्सपीरियंसेस को भूलना है, उनसे लेसन लेना है, और हमें क्या करना है, ग्रो करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप डायग्राम में देखें, एक प्लांट, प्लांट क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता जाता है ना। अब उसके साथ पिछले साल कुछ भी हुआ वो याद उसे रखेगा नहीं, तो अगर आप भी स्टूडेंट्स उन चीजों को याद रखेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस हुए आप उससे एक लेसन लीजिए और ग्रो करने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू ईयर पे हमें याद रखना है, दैट इज पॉजिटिविटी। स्टूडेंट्स, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना उतना ही ज्यादा आप एक्सेल करेंगे। तो यही हमारा सेशन है। चलिए स्टूडेंट्स, अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 टिप्स फॉर ए पॉजिटिव न्यू ईयर। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो न्यू ईयर है, हमारा जो ये ईयर है वो काफी क्या रहे, पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छा रहे इन टर्म्स ऑफ आर स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो स्टडीज है, सब चीजें बहुत अच्छी से रहे। तो उसके लिए हमें क्या, कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर उनको स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो आप देखना आपको बहुत अपने आप में चेंज लगेगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन में आज वही टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट टिप है प्लान गोल्स फॉर द ईयर।
ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमारी लाइफ में हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए। स्टूडेंट सोचिए, जब तक आपके कोई गोल्स नहीं होंगे, क्या आप कुछ पा सकेंगे? नहीं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, मुझे तो इस साल 10th बोर्ड में 95% लानी है, तभी तो मैंने अपना गोल सेट किया, तभी तो मैं 95 लेके आऊंगी। या फिर हम लोग क्या गोल सेट कर लेते हैं, नहीं हमें तो बस पास होना है। तो अगर आप ये गोल सेट करोगे तो आप सिर्फ पास ही होगे। अगर मैं गोल सेट कर लूंगी, नहीं मुझे तो इस बार 10th बोर्ड में 95% लाना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, आप उसी अकॉर्डिंग अपने गोल्स को रीच करने की कोशिश करोगे। स्टूडेंट्स, तो गोल्स होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका कोई गोल नहीं है तो वो सिर्फ एक क्या कहलाएगी, बात, कि भाई हाँ मैंने ये सोच लिया बस। ठीक है, सोची हुई चीज जरूरी छोड़ना है, सारी सोची हुई चीज आपकी हो जाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। सबके गोल्स वैरी कर सकते हैं। किसी का गोल होता है, नहीं मुझे तो ये चाहिए। अगर आप ये सोच लोगे ना, तो आप उसी अकॉर्डिंग, जैसे मैं सोचू मुझे एक बहुत बड़ी कार चाहिए, अरे वो बड़ी कार मैं तब ले पाऊंगी ना जब मैं अपना गोल सेट करूंगी। अगर मैं अपना गोल सेट नहीं करूंगी तो वो मैं कार नहीं ले पाऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने गोल्स प्लान करने, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अचीव करना है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है स्टूडेंट, प्लीज सब अपनी एक नोटबुक लीजिए और उसमें अपने गोल्स लिखिए, ताकि आप जब उन गोल्स को बार बार देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं, मुझे ये अचीव करना है। कोई भी चीज हम जितनी बार देखते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ ये मुझे अचीव करना है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे। तो सबसे पहला आपका एक ही टास्क है कि आपको एक नोटबुक लेनी है और उसमें अपने सारे गोल्स को मेंशन करना है, ताकि आप उसको अचीव कर पाए, उसी अकॉर्डिंग मेहनत कर पाए। तो स्टूडेंट्स गेट रेडी, आपको अपने गोल्स प्लान करने हैं इस ईयर के, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टे पॉजिटिव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही है। स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे हर सिचुएशन में, उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हो सकता है कभी हमारे एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, कभी हो सकता है हमें कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है, कभी हो सकता है हमारा मिस हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस चलते रहेंगे, बट आपको हर सिचुएशन में क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आए तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव कर लूंगा। इस बार मुझे टॉपिक कम समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं टीचर से कॉन्टैक्ट करूंगा, मैं डाउट सॉल्व कर लूंगा। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना, तो देखिए आप जितनी ज्यादा आपके आसपास पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पीपल्स के सराउंड में रहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके आसपास पॉजिटिव पीपल रहेंगे, आप उतने ही हैप्पी रहेंगे और उतने ही एक्सेल करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोई भी कंडीशन है, हाँ कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्स है ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। आप जितना पॉजिटिव है, आप अपने आसपास के लोगों को उतना ही, सराउंडिंग को उतना ही पॉजिटिव रखेंगे। तो ये थी हमारी सेकेंड टिप। थर्ड टिप की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो बी डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। और डिसिप्लिन रहना कोई बड़ी बात नहीं है। डिसिप्लिन वर्ड सुनते बच्चों के दिमाग में आता है, अरे हम पे तो रोक लगा दी है, हमें बांध दिया है। नहीं स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन में रहना एक बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का वेट करना है, कोई आपको आएगा वो मोटिवेट करेगा तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। अगर आपको करना है, जैसे आज मैं बात करूं मुझे मेरी हेल्थ कम करनी है, तो जब तक अंदर से मेरे नहीं आएगा कि नहीं मुझे करना है तो मैं नहीं कर सकती। आज कोई स्टूडेंट है उसको पढ़ना है, जब तक वो खुद अंदर से नहीं सोचेगा कि नहीं यार मुझे 10th में 100% लानी है, तो वो नहीं ला सकता। दूसरों के बोलने से नहीं होगा। तो अपने आप को मोटिवेटेड फील करिए, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं ये तो बहुत ईजी है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स, हमेशा अपने आप को मोटिवेट फील कराइए। सेकेंड है स्टूडेंट्स रिवॉर्ड योरसेल्फ। पढ़ते हैं थक जाते हैं, हमेशा अपने लिए कुछ करिए, बी योर सेल्फ।
अपने आप को ट्रीट दीजिए, आपको कुछ पसंद है, घूमने जाना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, पूरे टाइम नहीं बट आप बीच बीच में अपने आप को रिवॉर्ड करिए ताकि आपको अच्छा फील हो अपने से रिलेटेड कि हाँ मैं भी हूँ, अपना खुद का ध्यान रखिए। सेकेंड थर्ड है क्रिएटर डेडलाइन। हर चीज की एक डेडलाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने ये सोचा मुझे ये काम है करना है, अरे करना है तो इसकी एक डेडलाइन बनाओ। स्टूडेंट्स आपको, आपने सोचा ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, अब ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, अरे पढ़ना तो तुम 2 महीने में भी पढ़ सकते हो, 4 महीने में नहीं, मुझे ये टॉपिक 5 डेज में कंप्लीट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 5 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। अब उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, आपके कोई चीजें कट भी करनी पड़ सकती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हर चीज के लिए एक क्या होनी चाहिए, आपकी डेडलाइन, कि हाँ भाई मुझे ये फिक्स टाइम स्लॉट है, इसमें ये चीज करनी ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टूडेंट्स आप अपनी डेडलाइन नहीं सेट करेंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेब्लिश अ डेली रूटीन। आपका एक फिक्स डेली रूटीन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो हमेशा होगा, बट कुछ टाइम के लिए वो आप उसको फॉलो जरूर करें। जैसे हम उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं 4 घंटे, बट रोज आपका वो रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपना एक फिक्स डेली रूटीन नहीं बनाएंगे ना, आप कभी भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कभी भी उठ रहे, एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, मुझे 6 o'clock उठना है तो उठना ही है, मुझे 8 o'clock तक स्टडी करने बैठना है तो बैठना ही है। स्टूडेंट अगर आप ये चीज करेंगे ना, आपको अपने आप में भी बहुत अच्छा फील होगा और आप बहुत एक डिसिप्लिन वे में रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है। आपने देखा ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, एक छोटे छोटे से पॉइंट है। मैक्सिमम हम लोग ये डेली लाइफ में करते भी है, बट अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा स्टिक रहेंगे तो हमारे रिजल्ट्स पे काफी फर्क पड़ेगा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज बी डिसिप्लिन। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप रेडी होंगे न्यू ईयर पे इस वाले पॉइंट को फॉलो करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इट्स नेवर टू लेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना यार मेरा तो पूरा साल निकल गया, अब एग्जाम्स आ गए। बहुत बार बच्चे होते हैं पूरे साल नहीं हो पाती पढ़ाई, अब एग्जाम के 1 महीने पहले स्टार्ट किया, फिर हम सोचते हैं अब तो पूरा साल ही निकल गया, जब वो नहीं पढ़ा तो अब क्या कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा, वैसा ही है, कभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। आप जब चाहे ना जब उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, बस आप में वो जील होनी चाहिए कि हाँ आपको लगता है कोई टॉपिक है नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि यार मैंने पहले क्यों नहीं किया या पहले क्यों नहीं हो पाया, कोई बात नहीं छोड़ दो उसको, बट कोई टाइम लेट नहीं होता है। हमेशा अपने प्लान्स पे स्टिक रहो, अपने रूटीन पे स्टिक रहो, अपने रेजोल्यूशंस पे, और आप देखना आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो फिनोमिनल होंगे स्टूडेंट्स। तो कोई भी चीज़ के लिए देरी नहीं होती है, हम जब चाहें जब उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक भी आपने कुछ अपने गोल सेट नहीं करे हैं, अभी तक भी आपके कुछ लैग रह गया है, तो प्लीज़ उसको अभी से स्टार्ट करिए। चलिए नेक्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे पढ़ाई है, मैंने आपको टॉपिक दिया, आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, बट ये सिर्फ पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी प्रोग्रेस भी तो टेस्ट करनी है। जैसे अब मान लो मैंने आपको कोई केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, फर्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं 80%, सेकेंड में आ रहे हैं एकदम 50%, फिर आ रहे हैं 60, फिर आ रहे हैं 90। तो नहीं स्टूडेंट ये नहीं होना चाहिए, हमारा जो प्रोग्रेस का ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, और हमें डेली बेसिस पे उसको चेक करना है कि हमारे जो गोल्स हैं जो मैंने सेट किए, और हमेशा गोल्स अपने बहुत छोटे बनाइए, छोटे टाइम लिमिट के लिए। ऐसा नहीं अरे मैं तो ये कर लूंगा पूरे साल भर में, नहीं, आप ये बनाइए मंथली, मुझे ये गोल है मेरा, ये मैंने सेट किया, जैसे मंथ में मुझे हर सब्जेक्ट का ये एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये आपका एक छोटा गोल है, और उसको मंथली बेसिस पे रिव्यू कीजिए। तो गोल्स हमेशा छोटे बनाइए और उसी बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस जरूर चेक करिए कि क्या आपने जो गोल सेट किया है उसमें आपकी प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं हो रही है। पता चला पढ़े तो जा रहे हैं बट कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, तो बेटा पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें ग्रो करें। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने टेस्ट लीजिए, अपने आप को सेल्फ रिव्यू करिए क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये है फिफ्थ पॉइंट, प्रोग्रेस चेक। क्लियर है स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज स्टे फोकस्ड। अपना जो ध्यान है वो एक ही जगह रखना है। मुझे पता है आजकल स्टूडेंट्स के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जनरली लाइक मोबाइल, टीवी, स्टूडेंट्स प्लीज गलत कंपनी, ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट प्लीज इनसे जितना हो सके दूर रहिए। आपको अपना गोल पता है, उस पे फोकस रहिए। जब तक आप अपने गोल पे फोकस नहीं होंगे, आप नहीं कर पाएंगे। फोकस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आजकल अपन बात करें तो आप रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, अच्छा खाना खाइए, तो ये सारी चीजें आप करेंगे, एक्सरसाइज कीजिए, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप करते हैं ना, तो आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे। और प्लीज 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 जितना हो सके अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मोबाइल फोन्स का यूज जितना हो सके कम करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट। आपको थोड़े टाइम के लिए स्टूडेंट्स अच्छे जरूर लगते हैं, बट ये आपको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट अपने गोल पे फोकस रहिए, क्योंकि आप जब तक किसी चीज पे फोकस नहीं रहेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये है अपने 6 पॉइंट। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स इस न्यू ईयर आपने इन 6 पॉइंट को अपनी लाइफ में ले लिया ना, इन पे अप्लाई कर दिया, तो आप देखना आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने अमेजिंग होंगे ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। 10th बोर्ड में आप जो सोचेंगे, आप जो चाहेंगे, वही हर चीज आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज इन चीजों पे फोकस करिए, इन पे ध्यान दीजिए, और अपने हमेशा क्या कीजिए, जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में अपने टारगेट सेट कराइए। सबसे पहले अपना गोल बनाओ कि भाई मुझे केमिस्ट्री में इतना स्कोर करना है, 90%। उसके बाद एक अपना शेड्यूल बनाओ, इस तरीके से मेरे अगर 4 चैप्टर हैं तो मुझे 4 चैप्टर्स को कब कब कितने कितने दिन में पढ़ना है। उसके बाद उसको एक बार पढ़िए, फिर अपने खुद के टेस्ट लीजिए, रिव्यूज कीजिए कि क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। पहले पिछली बार अगर 8 आए थे, तो इस बार मेरे मार्क्स 9 आने चाहिए। तो इस तरीके से जो डाउट्स हैं अपने क्लियर करो। तो एक अपनी इस तरीके से शीट बनाओ, और आप देखना आपके जो रिजल्ट्स हैं एग्जाम्स तक, तो आप एकदम क्या हो जाएंगे, फुलफिल। टाइम कभी भी कम नहीं होता, बस हमें जितना टाइम है उसे मैनेज करना है। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस चीज को करिए, तो आपका जो न्यू ईयर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और एक्साइटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का सेशन, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लेट्स गेट, हम देखते हैं कि आपने ये वीडियो देखा और आप कितना इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज टेक केयर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।